जय हिंद दोस्तों। इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री तुम्हारी बाप की है रे मादरचोद। हाँ, एक बेचारा सुशांत गया, कितने ऐसे एक्टर सदमे में, अभी बेचारे वर्कर लोग वो भी सुसाइड कर ले, ये चाहते हैं तुम लोग? हाँ, उन लोग से पूरा टाइम मेहनत करवाते हैं, अभी पेमेंट देने का टाइम आया तो तुम लोग मादरचोद गरीबों का पेमेंट रुका रहे? हाँ, अगर वो गरीब को इंसाफ नहीं मिला ना, तुम लोग का कैसा पिक्चर चलता है, कैसा सीरियल चलता है मैं देखेगा। एक किसी फैंस ने मेरे को ये वीडियो भेजा है, वो बिचारे मजदूर लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, दादा लोग, हाँ, उन लोग के पैसे नहीं दिया अभी तक, रो रहे, बोलते हम लोग सुसाइड कर देंगे। सुसाइड नहीं करने का, ये भाव जिंदा है, तुम्हारे को इंसाफ दिलाएगा, इंसाफ दिलाएगा। एक मिनट जरा पहला वीडियो देखिए, बाद में इन लोग को लेता हूँ मैं कैसर को। हमारे जो तीनों प्रोड्यूसर्स हैं, दिव्यानी राले, सुधांशु त्रिपाठी एंड ज्योति गुप्ता जी हैं, तो अभी तक उन्होंने हमारा पेमेंट नहीं किया है। और जब भी हम पेमेंट के लिए बात करती हूँ तो अभी वो बोलते हैं कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। हम लोग का पेमेंट वर्कर का, डबल यूनिट का सब मिला के 94,000 हो रहा है, और हमारा इक्विपमेंट का जो है वो 80,000 के आसपास ही है, और ये तकरीबन 8 महीने हो गए हैं, अभी तक हम लोग को पैसा नहीं मिला है। और सारे वर्कर लोगों का पेमेंट बाकी है, स्पोर्ट दादा से लेके सेटिंग दादा, लाइट दादा, प्रोडक्शन टीम, मेकअप दादा, हेयर दीदी, सारे वर्करों का पेमेंट बाकी है। सब लोग बस पैसे के लिए दौड़ रहे हैं। कम से कम इतना समझ करना चाहिए, जो पट्टे पे काम कर रहा बेचारा उसका घर कैसे चल रहा होगा। हम लोग खाए बिना मर रहे हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो। ये ज्योति गुप्ता तीनों आदमी पार्टनर है, और मेरा खुद का पैसा नहीं दे रहे हैं लोग। हमारी बहुत सील का 9 नवम्बर 6-7 महीना हो गया, 7 महीने से हम लोग लड़ रहे हैं, ऑफिस बंद है, पुलिस चौकी कम्प्लेट किया। आज हम आवाज 7 महीने से फेसबुक पर उठा रहे हैं, कोई हमारा मदद नहीं, कोई हमारा वीडियो नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो हम गरीब है, इसके लिए हमारा कोई नाम नहीं है इसके लिए। अगर इससे पहले भी बहुत झगड़े हुए थे, बोलते आप लोग को जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जिसके पास जाना है जाओ, हम आप लोग को पैसे नहीं देंगे, हमारे पैसे हमारे चैनल से नहीं आ रहे हैं। पुलिस चौकी का कम्प्लेंट मेरे पास है, ये देखिए, मैं इसका भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। और इसके बाद मैं यूनियन में गया था, यूनियन में कम्प्लेंट दिया हूँ, उसका भी सुनवाई नहीं हो रहा। यूनियन में उनका जो करना है करो, जाओ आप लोग देख लीजिए। बंद हुए 6-7 महीने हो गए, उस समय से अभी तक हमारा पेमेंट नहीं मिला। नवंबर 6-7 तारीख को लास्ट शूटिंग हमने किया था, और तब से हम प्रोड्यूसर के ऑफिस ही दौड़ रहे हैं, घर पे दौड़ रहे हैं। हमने सारी जगह कंप्लेन कर लिया, यूनियन कंप्लेन किया, फेडरेशन कंप्लेन किया, पुलिस कंप्लेन तक कर दिया, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और ये बोलते हैं कि आप लोग जाइए जहां आपको कंप्लेन करना कीजिए। जो पैसा लेके प्रोड्यूसर बैठा है उसके अंदर बिल्कुल डर नहीं है। हमारी यूनियन से इनको क्यों नहीं डर है, फेडरेशन से डर क्यों नहीं है, इनको सेंटर से डर क्यों नहीं लग रहा है? सूचना प्रसारण मंत्री से, क्योंकि इनकी गांड भरी है, इनकी गांड भरी है मादर चोदो की। कैसा सुनवाई नहीं होगा आपका, कैसा सुनवाई नहीं होगा, इनके बाप को भी पैसा देना पड़ेगा, कैसा सुनवाई नहीं होगा। मैं जिसने मेरे फैंस ने ये मेरे को वीडियो भेजा है, मेरा नंबर देता हूं, मेरे को आके मिलो। आज के बाद ये लॉकडाउन खुलने के बाद मैं देखता हूं इन लोग सीरियल कैसा बनाता है। जब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, ये कभी सीरियल नहीं बना पाएगा। ये एक भाव की जबान है, आपको सुनवाई नहीं होती है। ये मादर चोत के बच्चे इन लोग, गांडू के बच्चे है, हा? शर्म करो रे मादर चोदो, बड़े बड़े लोगों की तो भेड़ चोत गांड मार रहे तुम लोग, गरीब लोगों को तो छोड़ो मादर चोदो, शर्म करो मादर चोदो जरा, गरीब की हाय लेंगे क्या मादर चोत तुम लोग? आज उसमें से वो एक जन बोल रहा है हम लोग सुसाइड करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। तुम लोग की गांड भरी है ना मादर चोत, घर में पिज्जा खा रहे ना, हाँ बर्गर खा रहे ना,
ये गरीब क्या करेगा, कैसा संभालेगा? ऐसा टॉर्चर करते तुम लोग इंडस्ट्री में, हाँ ऐसा टॉर्चर करेंगे तुम लोग इंडस्ट्री में। अगर 10 दिन के अंदर इन लोग को इंसाफ नहीं मिला, हाँ इनका पैसा नहीं मिला ना इनको, ये मेरा चेतावनी है। मालूम है ना सोशल मीडिया का पावर, हाँ तुम्हारी औकात सोशल मीडिया पे बताऊंगा फोटो के साथ कौन कौन नहीं करके, हाँ फिर जो कुछ भी है पूरा हिंदुस्तान लाइन लगाता है, मालूम है ना कैसा। उसके पहला ना इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और नहीं मिला तो मेरे को आता है गरीब को कैसा इंसाफ दिलाना है वो, हाँ तुम्हारी इंडस्ट्री है ना तुम लोग की गांड मार दूंगा मैं। अगर आज के बाद एक को भी ऐसा तकलीफ हुआ जैसा सुजान के साथ हुआ है, और किसी के साथ किया है तुम लोग, और ऐसे गरीबों के साथ कर रहे हैं तुम लोग की बजा डालूंगा भाई, बजा डालूंगा, हाँ बजा डालूंगा। आप लोग जितना हो सके ना, जितना हो सके, ये अगर गरीब आपके पहचान के है, हाँ ये गरीब अगर पहचान के है आपके, उन तक मेरा वीडियो पहुंचाओ। और ये जो फड़वे लोग है जिन्होंने ये पैसा खाया, ये इंडस्ट्री तक पैसा मेरा वीडियो पहुंचाओ अभी है। कि तुम्हारा एक बाप इधर पैदा हो गया तुम लोग की गांड मारने के लिए, वो दिन चले गए अभी, हाँ वो दिन चले गए, फुप्पी का, चाचा का, इसका, भाई का, सब। अब गरीब का बदला लेगा ये भाऊ, हाँ लेगा, नहीं छोड़ेगा किसको भी, औकात में रहना, हाँ नहीं तो ये पैसे गरीब लोगों के पैसे फटाफट दे दो, नहीं तो तुम लोग को ना ये सोशल मीडिया पे ला के फोटो के साथ गांड मार दूंगा तुम लोग की मैं, हाँ।